हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 विषय हिंदी प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो इस चैनल पर आपको सभी विषयों के सभी कक्षाओं के प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र पेपर जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं कि पहला निर्देश है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, दूसरा निर्देश है प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है, और तीसरा निर्देश है विद्यार्थी सभी प्रश्नों का हल प्रश्न पत्र में ही करके हल प्रश्न पत्र निर्धारित तिथि तक कक्षा अध्यापक को उपलब्ध कराए। और यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिखना है, यानी कि आपको यहाँ पर अपना स्वयं का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। तो यहाँ पर सभी प्रश्न आपके ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न हैं, इसलिए आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक हल करना है। तो यहाँ पर प्रश्न की मांग एक है कि भाषा के अंतर्गत क्या आता है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। अ नंबर का ऑप्शन है पढ़ना, ब नंबर का ऑप्शन है लिखना, स नंबर का ऑप्शन है बोलना, और द नंबर का ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो भाषा के अंतर्गत क्या आता है, पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, बोलना भी आता है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न की मांग दो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कथन सही नहीं है कि भाषा को सहेजा नहीं जा सकता। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही नहीं होगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा द नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न की मांग तीन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। अ नंबर का ऑप्शन है 15 अगस्त, ब नंबर का ऑप्शन है 30 जनवरी, स नंबर का ऑप्शन है 14 सितंबर, द नंबर का ऑप्शन है 26 जनवरी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न की मांग चार, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौखिक भाषा स्थायी होती है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न की मांग पाँच, हिंदी भारतवर्ष की है। खालिस्तान यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए गए हैं। अ नंबर का ऑप्शन है स्थानीय भाषा, ब नंबर का ऑप्शन है मातृभाषा, स नंबर का ऑप्शन है राजभाषा, और द नंबर का ऑप्शन है राष्ट्रभाषा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजभाषा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न की मांग छः, मानक भाषा का तात्पर्य है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। अ नंबर का ऑप्शन है सर्वमान्य भाषा, ब नंबर का ऑप्शन है वैज्ञानिक, स नंबर का ऑप्शन है व्याकरण सम्मत, द नंबर का ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मानक भाषा का तात्पर्य होता है वह सर्वमान्य भाषा भी होता है, वैज्ञानिक भाषा भी होता है, और यहाँ पर व्याकरण सम्मत भी होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7, निविदता या निविदा के बारे में असत्य तथ्य है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, निविदा केवल सरकारी विभाग प्रकाशित करता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8, अच्छे कार्यालय पत्र में क्या विशेषता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर अ नंबर का ऑप्शन है संक्षिप्तता, ब नंबर का ऑप्शन है शिष्टता, स नंबर का ऑप्शन है तारतम्यता, द नंबर का ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9, सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय में किसी कार्य को संपन्न करवाने हेतु सार्वजनिक रूप से जो सूचना प्रकाशित की जाती है उसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए गए हैं। अ नंबर का ऑप्शन है निविदा, ब नंबर का ऑप्शन है विज्ञप्ति, इसके स नंबर का ऑप्शन है ज्ञापन, और द नंबर का ऑप्शन है अधिसूचना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निविदा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 10, सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय में किसी कार्य को संपन्न करवाने हेतु सार्वजनिक रूप से जो आदेश जारी किए जाते हैं उसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए गए हैं।
आ नंबर का ऑप्शन है निविदा, ब नंबर का ऑप्शन है विज्ञप्ति, स नंबर का ऑप्शन है ज्ञापन और द नंबर का ऑप्शन है अधिसूचना। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वा करेक्ट आंसर हो जाएगा विज्ञप्ति। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11 विज्ञप्ति के बारे में असत्य कथन है। तो यहाँ पर इसमें आपको चार विकल्प दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा यह अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12 अधिसूचना के बारे में कौन सा तथ्य गलत है। यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आ नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यह किसी निजी संस्था द्वारा प्रकाशित होती है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13 अधिसूचना किसके नाम से जारी की जाती है। यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए गए हैं, आ नंबर का ऑप्शन है मुख्यमंत्री, ब नंबर का ऑप्शन है प्रधानमंत्री, स नंबर का ऑप्शन है न्यायालय और द नंबर का ऑप्शन है राष्ट्रपति या राज्यपाल। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द यानी कि राष्ट्रपति या राज्यपाल। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14 अर्धशासकीय पत्र होता है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आ नंबर का ऑप्शन है यहाँ पर व्यक्तिगत पत्र, ब नंबर का ऑप्शन है सरकारी पत्र, स नंबर का ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकारी पत्र। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15 अर्धशासकीय पत्र के बारे में असत्य कथन है। तो यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन, इसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16 अर्धशासकीय पत्र के बारे में प्रेषक का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्र में ऊपर बाईं ओर। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17 अर्धशासकीय पत्र के बारे में प्रेषिति का नाम लिखा जाता है। यहाँ पर आपको भी चार विकल्प दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा नीचे बाईं ओर। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18 भाषा के रूप होते हैं। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आ नंबर का ऑप्शन है लिखित, ब नंबर का ऑप्शन है मौखिक, स नंबर का ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और द नंबर का ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा उपरोक्त दोनों यानी कि लिखित और मौखिक रूप में भाषा के रूप होते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19 हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आ नंबर का ऑप्शन है देवनागरी, ब नंबर का ऑप्शन है गुरुमुखी, स नंबर का ऑप्शन है रोमन और द नंबर का ऑप्शन है फारसी। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आ नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवनागरी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20 वह शास्त्र जो किसी भाषा के शुद्ध रूप को बोलने तथा लिखने का ज्ञान कराए कहलाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वह शास्त्र जो किसी भाषा के शुद्ध रूप को बोलने तथा लिखने का ज्ञान कराए कहलाती है व्याकरण शास्त्र, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस चैनल पर आपको जल्द से जल्द कक्षा 12 के सभी विषयों के मार्षिक प्रपत्र पेपर उपलब्ध करा दिए जाएंगे, इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।